के पहले क्वेश्चन से, बेसिकली क्वेश्चन में अगर हम बात करी जाए तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना को कब से माना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब मानी जाती है, कि मध्य प्रदेश में पहली बार जनगणना कब हुई। तो मध्य प्रदेश की अगर पहली जनगणना की बात करी जाए, अगर पहली जनगणना को माना जाए, तो मध्य प्रदेश की पहली जनगणना मानी जाती है 1881 में। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब से मानी जाती है, 1881 में। अगर 2011 की बात करी जाए, 2011 में जो जनगणना हुई थी ये कौन से नंबर की जनगणना थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी ये प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी, प्रदेश की 15वीं जनगणना थी, प्रदेश की 15वीं जनगणना थी 2011 में जो जनगणना हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखा जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे या फिर विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, आप वर्ड्स को भी समझ सकते हो क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन में बात करी जाए तो जो साक्षरता दर, साक्षरता दर को जो मेजर किया जाता है, फिर लिटरेसी रेट की जो बात करी जाए, तो लिटरेसी रेट को कितने वर्ष, यानी कि कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को लिटरेसी रेट को मेजर किया जाता है, तो जिन लोगों की आयु 6 वर्ष से ऊपर होती है, 6 वर्ष से ऊपर होती है उन लोगों को लिटरेसी रेट में कंसिडर किया जाता है, यानी कि 7 वर्ष या उससे ज्यादा वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उन सबको साक्षरता रेट काउंट करते टाइम शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन को बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस, पॉपुलेशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण दिवस को अगर देखा जाए तो 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की अंतिम जनगणना क्या है। फाइनली एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट जनगणना क्या है, तो ये जनगणना आप नोट कर लीजिए, 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 26 लाख 26 हजार और 809 मध्य प्रदेश की जनगणना, मतलब जब 2011 की जो जनगणना काउंटिंग हुई उसमें फाइनली जनसंख्या हमारी क्या निकल के मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809। ये जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या फिर व्यापम का जो एग्जाम होता है उसमें जो डाटा आता है वो बहुत एग्जैक्टली पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट डाटा क्या था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में कितने पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, तो अगर पुरुषों की संख्या की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पुरुषों की संख्या है वो है 3 करोड़ 76 लाख 12 हजार 306। इतने हमारे यहां पुरुष हैं, पुरुषों की जनसंख्या इतनी है। बात करते हैं महिलाओं की। अगर महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या है 3 करोड़ 50 लाख 14 हजार 503। 3 करोड़ 50 लाख 14 हजार 503 इतनी हमारे यहां महिलाएं हैं। पूरा का पूरा जो डाटा है पूरा एग्जैक्ट रखने की कोशिश करी गई है, बट स्टिल अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो क्योंकि अब हम लोग भी मल्टीपल सोर्सेज से रिफर करते हैं, अगर इसमें कोई इश्यू आता है कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वैसे हम लोग पूरा जब डाटा देते हैं तो एक एक चीज चेक करी जाती है, लेकिन अब कुछ जिन बुक्स को रिफर कर रहे हैं उन बुक्स में भी कभी ना कभी गलती होती है, तो अल्टीमेटली अगर आपको उसमें लगे कुछ गलती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो ताकि मैं अगले लेक्चर में इसका करेक्शन इशू कर दूं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है इंदौर में, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या है, और इंदौर की जनसंख्या कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदौर की जनसंख्या है 32 लाख 76 हजार 697 और ये जिला कौन सा है, इंदौर, इंदौर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर दूसरे नंबर पे बात करी जाए कि दूसरे नंबर पे किस जिले की जनसंख्या है, तो दूसरे नंबर पे यानी कि सेकंड प्लेस पे अगर देखा जाए तो सेकंड प्लेस पे जो जिस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है जबलपुर,
जबलपुर की सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है जबलपुर की, और जबलपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है 24,63,289, 24,63,289 है जबलपुर की जनसंख्या। बात करते अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या कहां पे है, यह है आगर मालवा में। आगर मालवा से पहले न्यूनतम जनसंख्या थी हरदा में, लेकिन अब आगर मालवा ने उसको ओवरटेक कर लिया है, तो आगर मालवा में न्यूनतम जनसंख्या है, और आगर मालवा की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है 4,80,000 की जनसंख्या है आगर मालवा में, 4,80,000 की जनसंख्या आगर मालवा में। इससे पहले हरदा सबसे न्यूनतम जिला था, और हरदा की भी करंट में जनसंख्या कितनी, हरदा दूसरे नंबर पे पहुंच गया पीछे से, तो हरदा की जनसंख्या कितनी है 5,70,465, 5,70,465 है हरदा की जनसंख्या। अगर हम बात करें अगली जिले अगली चीज की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपके छिंदवाड़ा का, छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, और ये है 11,815 वर्ग किलोमीटर। कहां का क्षेत्रफल है, छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है 11,815 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे कम क्षेत्रफल कहां का है, और राइट नाउ यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, 2011 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो है भोपाल का सबसे कम क्षेत्रफल है, और पूरी की पूरी क्षेत्रफल वाली चीज में पहले चीजें कुछ और थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर डाटा की बात की जाए तो भोपाल का क्षेत्रफल है 2,772 वर्ग किलोमीटर भोपाल का क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें, दूसरे नंबर पे है आगर मालवा का क्षेत्रफल कितना है 2,785 वर्ग किलोमीटर, और आगर मालवा के बाद आता है दतिया का नंबर कितना है 2,902 वर्ग किलोमीटर। तो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो दतिया और आगर मालवा में हो रहा होगा, लेकिन अभी राइट नाउ सबसे कम एरिया जो है भोपाल का है, भोपाल के बाद आगर मालवा का है, आगर मालवा के बाद दतिया का है, सबसे कम एरिया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यप्रदेश का फिलहाल लिंग अनुपात कितना है, यानी कि होता है सेक्स रेशियो मध्यप्रदेश का कितना है, तो पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, ये मध्यप्रदेश को आपको सेक्स रेशियो बताना है। तो मध्यप्रदेश का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 1,000:931, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। अगर इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें, ये हो गया मध्यप्रदेश का, अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का रेशियो कितना रहेगा 2011 के अनुसार, इंडिया का जो रेशियो रहेगा ये रहेगा 1,000:943, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो जो लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां पे कौन से जिले में है, तो यह है बालाघाट में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, और बालाघाट में लिंग अनुपात कितना है 1,021, यानी कि 1,021 बालाघाट का लिंग अनुपात, यानी कि हर 1,000 पुरुषों पर 1,021 वहां पे महिलाएं हैं, हर 1,000 पुरुषों पर 1,021 वहां पे महिलाएं हैं बालाघाट में। अगर हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम है भिंड का लिंगानुपात कितना है 837, यानी कि हर 1000 पुरुषों पे 837 महिलाएं हैं, ये है लीस्ट यानी कि सबसे कम। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों वाला समूह होता है उसमें लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसमें है, तो 0 से 6 वर्ष यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो कहां पे है अलीराजपुर में, और यहां पे जो लिंगानुपात है ये है 978, कितना है 978, हर 1000 बच्चों पे 978 बच्चियां हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो सबसे कम 0 से 6 साल के बच्चों में सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है, तो यह है मुरैना में सबसे कम लिंगानुपात है, और मुरैना में कितनी बच्चियां हैं हर 1000 बच्चों पे, ये 829 बच्चियां हैं,
829। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, और जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना है। तो 2011 में जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है या एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी की बात हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो एमपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 236 एमपी की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर भोपाल की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पे है, तो भोपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, यह है 855 पीपल पर वर्ग किलोमीटर, अगर ये भोपाल की बात हो रही है। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा इंदौर। तो इंदौर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कितनी है, इंदौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 841, कितनी है 841 इंदौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम लीस्ट कहां पे है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे, डिंडोरी में, डिंडोरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो डिंडोरी की बात करी जाए तो डिंडोरी में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी, 94% पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, यानी मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की कितनी है। मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट की बात करिए तो मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है 69.32% 2011 के अनुसार, और 2001 में मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2001 में मध्य प्रदेश की अगर साक्षरता दर की बात करिए तो 2001 में साक्षरता दर थी मध्य प्रदेश की 63.7%, यानी कि 63.7% साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट। अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों में लिटरेसी रेट कितना है, पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है, पुरुष यानी कि मैन में साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो है 78.73% 78.73% मैन में, और वेमेन की बात करी जाए यानी कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो लिटरेसी रेट है, महिलाओं में लिटरेसी रेट है 59.2% 59.2% 2011 में बात हो रही है मध्य प्रदेश की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से जिले की है, तो अगर जिले की बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता है जबलपुर की, जबलपुर में साक्षरता सबसे ज्यादा है, और जबलपुर का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 81.1%, जबलपुर में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है 81.1%। और दूसरे नंबर पे इसमें कौन आता है साक्षरता दर के मामले में, दूसरे नंबर पे आता है इंदौर, इंदौर में साक्षरता दर कितनी है 80.9% इंदौर की साक्षरता दर है। अगर हम बात करें सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, सबसे कम अगर साक्षरता जिले की बात करी जाए, सबसे कम साक्षरता कौन से जिले की है, तो सबसे कम जो साक्षरता है ये कहां पे है, अलीराजपुर में, अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता है। और साक्षरता दर की अगर देखा जाए तो अलीराजपुर में कितनी साक्षरता दर है, 36.1% अलीराजपुर की साक्षरता दर है, और अलीराज के संग में कॉम्पिटिशन में चल रहा है झाबुआ, झाबुआ और अलीराजपुर कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं, वो भी साक्षरता दर कम होने के मामले में, और झाबुआ की जो साक्षरता दर है वो है 43.3%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे है, जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पे है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पे है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंदौर की, इंदौर की जो आबादी है ये बढ़ रही है 32.88% की दर से, 32.88% की दर से इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि जनसंख्या बढ़ोतरी दर,
जनसंख्या वृद्धि दर, अगर सबसे कम वृद्धि दर की बात करिए, सबसे वृद्धि सबसे कम सबसे स्पीड में जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एरिया है अनूपपुर। अनूपपुर में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है सबसे कम स्पीड में बढ़ रही है। अनूपपुर की पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है? अनूपपुर की पॉपुलेशन बढ़ रही है 12.3% के हिसाब से, यानी कि 12.3% के हिसाब से अनूपपुर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग कितने लोग निवास कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितने लोग निवास कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में 5.25 करोड़ जो हमारी 7.27 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें 5.25 करोड़ ग्रामीण पॉपुलेशन है और बाकी बची शहरी पॉपुलेशन। तो शहरी पॉपुलेशन कितनी है? जो आपकी 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन बच गई, अराउंड 2 करोड़ पॉइंट समथिंग, तो 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ये शहर में निवास करती है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 5.25 करोड़, तो अगर एग्जैक्ट डाटा देखें तो 5,25,57,404 लोग ग्राम में निवास कर रहे हैं और 2,69,405 लोग शहर में निवास कर रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है या सबसे ज्यादा नगरीकरण है? सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला है कौन सा जिला है? ये भोपाल। भोपाल में सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है, भोपाल की जो सबसे ज्यादा नगरीकरण वाले जो जिले में भोपाल सबसे आगे है। और जो न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है ये जिला है आपका डिंडोरी, मतलब मेनली ये ग्रामीण क्षेत्र है डिंडोरी, ये न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है। अगर यहां पर देखा जाए तो 4.6% बस नगरीकरण हुआ। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब आप ये समझ ही गए हो कि यहाँ पे सबसे कम शहरीकरण हुआ है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा होगा? डिंडोरी। सबसे ज्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या लाई करती है ये कहां पे लाई करती है परसेंटेज वाइज, तो ये कहां पे लाई करती है? डिंडोरी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगर 2011 की जनगणना की बात करी जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपके अनुसूचित जाति वाला सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन कहां पे थी? सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी कहां पे थी? अनुसूचित जाति की बात हो रही है और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे थी? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी इंदौर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन थी। अगर सबसे कम पॉपुलेशन की बात करी जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन थी झाबुआ में अनुसूचित जाति की सबसे कम पॉपुलेशन थी। और यहां पे झाबुआ में कितनी पॉपुलेशन थी? झाबुआ में जो पॉपुलेशन थी ये थी 17,427 झाबुआ में पॉपुलेशन थी। इंदौर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन थी और झाबुआ में सबसे कम थी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो जो जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत के हिसाब से, यानी परसेंटेज वाइज, ये पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी थी और परसेंटेज वाइज करें तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति का प्रतिशत था ये उज्जैन में था। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन में बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पे था, तो ये प्रतिशत के मामले में झाबुआ में सबसे कम प्रतिशत था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला था वो था धार। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी धार में और सबसे कम पॉपुलेशन थी भिंड में। बात करते हैं अगर अगली चीज की तो सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अनुसूचित जनजाति की बात करिए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज है अलीराजपुर। पहले ये झाबुआ में सबसे ज्यादा थी इसलिए झाबुआ में अनुसूचित जाति कम है जनजाति ज्यादा है, लेकिन अब इसको बीट किसने कर दिया है? अलीराजपुर ने। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है यहाँ पे 89% और सेकंड नंबर पे आता है झाबुआ। और सबसे कम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे कम परसेंटेज है भिंड में और भिंड में ये है 0.4%। आप बिलीव मानिए कि इस लेक्चर से 2 या 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने जरूर मिलेंगे।
बिकॉज 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे के पूरे आपके एग्जाम में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जितना ज्यादा डाटा उसका इंपॉर्टेंट था वो पूरा डाटा हमने कवर कर लिया, और पूरी की पूरी इस डाटा से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको 101% पेपर में मिलने वाले हैं। ये आपने